प्रति व्यक्ति आय के लिए कैसे कॉलम बनाओगे? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये भी पूछता है बार बार, है ना। तो आपको तीन बनाना है, एन निवल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। निवल मतलब नेट, निवल मतलब नेट होता है, ठीक है। नेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक बार जीडीपी पे, सॉरी जीएसडीपी पे, और एक बार फिर जीएसडीपी पे ध्यान देते रहना। ये जो होगा प्रचलित भाव पे होगा, मतलब वर्तमान, वर्तमान क्या ले रहे हैं 17-18। ये होगा, ये भी, ये स्थिर भाव पे होगा, मतलब 11-12 13। ये प्रचलित भाव पे होगा, मतलब 17-18, ठीक है। आपको दो साल का बस याद करना है, 16 में 17 में कितना बढ़ा और 17 से, ठीक है, सन 2016-17 में कितना हुआ है और 17 से 18 में कितना हुआ है, तीनों, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आए कुछ भी पूछ सकता है। सन 2016-17 में प्रति व्यक्ति आए कब, एन जीडीपी जीएसडीपी पे, मतलब निवल नेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे प्रति व्यक्ति आए प्रचलित भाव पर कितना था, प्रचलित भाव पर, ये देता है, ये आपको अंडर नोट नोट करना है, प्रचलित स्थिर प्रचलित। तो प्रचलित भाव पर 16-17 में कितना था, तो प्रचलित भाव पर 16-17 में था 84,265 रुपए हर व्यक्ति की आय छत्तीसगढ़ में, प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर 17-18 84,265, 16-17 में, 17-18 में 92,035, ये इंपॉर्टेंट है, 17-18 में 92,035 कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको, 82,265 और 92,035 यहां से ये हो गया। अभी ये वाला पूछ चुका है, बार बार हर पेपर में पूछ चुका है कि एन जी डी एस टी पी पे कितना है, तो 92,235 है, ठीक है। अब आ जाओ जीएसडीपी पे प्रचलित भाव पे, ठीक है। तो ये है 16-17 में था ये 93,890 रुपए, अभी है 1,02,765 रुपए, ये भी पूछ चुका है, 1,02,765 रुपए, ठीक है, सॉरी प्रचलित भाव का, ये फिर निकाल दीजिए इसको, प्रचलित कर लो, प्रचलित कर लो, अब स्थिर कर लो, दो बार प्रचलित फिर स्थिर। अब आ जाओ स्थिर, स्थिर भाव में हमेशा कम रहता है, क्योंकि हम 11-12 की तुलना में कर रहे हैं, 9 साल का जनसंख्या वो गिने ही नहीं है, ठीक है। तो 11-12 के आधार पर हमेशा कम रहेगा, ये बहुत ज्यादा रहेगा प्रचलित वर्तमान भाव पे, है ना। और जो 11-12 जब तुलना करेंगे स्थिर भाव पे, जो रुका हुआ भाव है, जब जनगणना हुई थी तो उसको बोलते हैं स्थिर भाव, ठीक है। तो 11-12 के आधार पर, ठीक है, ये है आपका 80,168 और 80,280, ये आपको याद रखनी है, पुराना वाला सिक्योरिटी के लिए बता दिया हूं, गलती 16-17 पूछ दिया, तो आपको याद रखना 17-18 का जो बॉक्स में बनते हो, ठीक है, आपको याद रखना 17-18 का ऊपर वाला सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पे कितना है भारत का, 1,12,764 प्रचलित भाव पे, इंडिया का प्रचलित भाव पे अखिल भारतीय स्तर पर, INDIA इंडिया का, ठीक है, 1,12,000, ठीक है, प्रचलित भाव पे इंडिया का 17-18 में प्रति व्यक्ति आय है, इंडिया का भी, चलो 17-18 में है 764, 1,12,764, ये 17-18 के आधार पर, मतलब प्रचलित पर 64, ठीक है। इसी में आप लिख लो स्थिर भाव पर 86,689, ये क्या है 11-12 के आधार पर स्थिर भाव, 86,689 और 1,12,764, ये दोनों याद रखने वाले 17-18 के दोनों।
एक स्थिर भाव को लेकर तुलना किए हैं और एक प्रचलित को लेकर तुलना किए हैं। ये बार बार दो डेट लिखता हूं समझ आता है, ये 17-18 का ही आंकड़ा है लेकिन तुलना इसके सापेक्ष करते हैं। तुलना किससे करते हैं? 11-12 की। ये तुलनात्मक ईयर है और ये वर्तमान ईयर है। ये आपको याद करना, ये देगा 17-18 का कितना है, उसके बाद ये लेके देगा स्थिर भाव पर या 11-12 के आधार पर। इसके आधार इससे तुलना करते हैं, ये तुलनात्मक ईयर है और ये एक्चुअल ईयर है जिसमें हम लोग निकाल रहे हैं। 17-18 का 17-18 के सापेक्ष, 17-18 का 11-12 के सापेक्ष, 17-18 का 17-18 के सापेक्ष पूरे नेट टोटल टोटल वैल्यू पर, ठीक है। वैसे ही 17-18 का 17-18 के सापेक्ष कितना है, 1,12,764। ये इंडिया का, ये किसका है, छत्तीसगढ़ का, एस लिखा है स्टेट। इसमें क्या लिखेगा, जीडीपी लिखता है। इसमें क्या लिखता है, जीएसडीपी लिखता है। 17-18 का 11-12 के सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति क्या कितनी है इंडिया में 11-12 के आधार पर 86,689 रुपए, ठीक है। 86,668 भी देता है कई बार, ठीक है। वो पूर्वा क्या बोलते हैं, पहला अग्रिम अनुमान था इसलिए, ठीक है। 86,689 है अभी, याद रखना। किसी के आसपास आएगा तो उसको भी आप सही मान सकते हैं। अब आ जाओ, प्रति व्यक्ति आय में 9.22% की वृद्धि। कितने की वृद्धि, 9.22% की वृद्धि, 9.22% की वृद्धि, 9.22% की वृद्धि। अब आ जाओ नीचे, इंडिया का स्थिर भाव, अखिल भारत मतलब इंडिया का स्थिर भाव पे 11-12 पे क्षेत्रों क्षेत्रवार योगदान, जो भी लिख लो पूरे भारत का, इंडिया का। जैसे हम लोग कृषि उद्योग और सेवा का लिखे छत्तीसगढ़ का, वैसे इंडिया का लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो अखिल भारत का स्थिर भाव पर 11-12 के आधार पर, स्थिर भाव पर 11-12 के आधार पर क्षेत्रवार योगदान, क्षेत्रवार योगदान में वृद्धि लिखना, योगदान में वृद्धि दर, में वृद्धि दर मतलब वृद्धि लिखवा रहा हूं, वृद्धि पूछता है करके इसमें से वृद्धि लिखवा रहा हूं। तो क्षेत्रवार योगदान में वृद्धि दर, तो वृद्धि दर में लिखो कृषि का सन 2017-18 में वृद्धि दर कितना है, 2.13% कृषि उद्योग और सेवा। हम लोग क्या लिखे थे, छत्तीसगढ़ का लिखे हैं और अभी इंडिया का लिख रहे हैं। क्या चीज लिख रहे हैं, वृद्धि। पुराने 16-17 की तुलना में 17-18 में कितना वृद्धि हुआ है, 17-18 में कितना वृद्धि हुआ है, इसका और इसका, इसका कितना लिखवा है 2.89 और इसका कितना है 2.3, कितना लिखवाए हो 1.3%, 2.89% की वृद्धि हुई है कृषि में। कृषि का योगदान कितना है, 17.15 वृद्धि 2.89, इसका योगदान नहीं लिखवा रहा, इसका वृद्धि लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूँ, वृद्धि। तो वृद्धि कितना है 2.13, ऐसे कंपैरिजन करके याद करोगे तो हाँ ये इसके बराबर वृद्धि है छत्तीसगढ़ का, ये इंडिया का। इसमें कितना था 5.84, इसमें कितना था 9.46, बाजू लिखते जाना है 2.13, 4.37 और 8.28, 4.37 8.28 ये वृद्धि है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का। ये भारत का है, भारत का से आपको ज्यादा संबंध नहीं है, भारत का कम पूछता है इसलिए यही बस याद करना, ये एक्स्ट्रा है, छत्तीसगढ़ का पूछेगा ज्यादा, इंडिया का जो आंकड़ा पूछेगा रेपो रेट वगैरह वो अलग से पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है, थोड़ा बहुत 11% बजट पढ़ चुके हो, बजट पढ़ चुके हो नहीं पढ़े हो, सर
पड़ेगा। 17-18 का पड़ेगा।